नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। राजधानी देहरादून दिन भर जाम और महारैलियों से जूझती हुई नजर आई। जी हां, आपको बताते चले कि आज राजधानी देहरादून में विभिन्न विभागों में कार्यरत 24,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा आज एक महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली के माध्यम से देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान से लेकर राजपुर रोड से होते हुए सचिवालय कूच करने का प्रयास किया गया। इसमें कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 2020 में एक वादा किया गया था कि भूपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसके मद्देनजर आज फिर से आउटसोर्स कर्मचारी इस महारैली के लिए बाध्य हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब दोबारा कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी उनके बहकावे में नहीं आएगा और जब तक कि इस निन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई शासन आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से वो उठने वाले नहीं है। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर और जानते हैं विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में। जी हाँ, आपको बताते चले कि राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक बिगुल फूंक दिया है और उसी के साथ अब जो प्रदेश के नौकरशाह है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुके हैं। 5 साल तक जिनको याद नहीं किया जाता है। चुनावी दौर एक ऐसा दौर है जब उनकी मांगों को सुनने का एक उनके पास भी अवसर होता है और उसी को देखते हुए आज बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं उसमें कर्मचारी जो प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत है वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं 9 सूत्र मांगे उनकी है, जिन मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना रहते हैं। आगे किस तरीके का निर्णय लेंगे ये अभी उनके माध्यम से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है वो 26/8/2020 का। आप अच्छी तरह देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये वादा किया था कि उतने कर्मचारी को नियमित किए जाएंगे, लेकिन शायद ये वादा तब था जब उनको लग रहा था कि दोबारा शायद सीएम नहीं बनाया जाएगा। जैसे ही दोबारा कुर्सी पर बैठे तो शायद ऐसा लगता है कि अपना वादा भी भूल चुके हैं, लेकिन 5 साल बाद फिर वो अवसर है जब ये आम नागरिक प्रदेश के नौकरशाह अपने मतदान के माध्यम से जवाब दे सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है तो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से आवाज बुलंद की है, जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगे इनकी। और जिस तरीके से पिछले वर्ष 2020 में जो एक वादा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नियमित करने का, उसे अभी तक पूरा नहीं किए है, उसको लेकर भी प्रक्रिया जाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की मांगे आप लोगों की है और कहीं ना कहीं 2020 का जो वादा है वो भी अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा नहीं किया था, आप क्या मांग रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप निरंतर हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमसे वादा किया था 2020 में, वो जब विधायक हुआ करते थे उन्होंने खुद चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमारी मांगों को लेकर के एक डेलीगेशन किया था कि वाकई में इनके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज वो इस मुकाम पे है कि उनका एक आदेशी जो बोलिंग है वही जियो बन जाता है। आज वो भूल गए सारी चीजें, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कर्मचारी शोषित है। 11-11 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। अब मैं हरावाला विश्वविद्यालय की बात करूं, पिछले 20 दिन से वहां कर्मचारी हमारा धरने में बैठा है, जबकि शासन ने स्पष्ट उनको आदेश किया कि इनका वेतन जो है 15 दिन के अंदर ड्रॉ कराओ, अभी तक नहीं किया। तो इस शोषण के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी है और ये उपनल कर्मचारी क्या, ये पूरे आउटसोर्स कर्मचारी हमारे साथ आज है और ऐसे ही कर्मचारी है जो जिनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई नियमावली नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए कोई नियमावली बनाए, अन्य प्रदेशों को भांति जैसे अन्य प्रदेशों ने अपने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमावली ला के नियमित करने का काम किया। मैं माननीय धामी जी से भी यही कहूंगा कि आप भी, हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, हम कहीं बाहर के आयत नहीं है। आखिर आपको क्या मजबूरी लगती है प्रदेश सरकार की, क्योंकि अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो वेतन तो देना पड़ेगा ना। देखो, ये शोषण है। अभी 22 तारीख को रामलला के मूर्ति स्थापित हुई है, सब देश में चल रहा था रामराज आ गया, क्या हम रामराज में यही शोषण हुआ था क्या प्रजा का? हम धामी जी से पूछना चाहते हैं, हम भी तो इसी प्रदेश के बच्चे हैं भाई, हमारे भी बाल बच्चे हैं। 11-11 महीने से अगर वेतन नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा इंसान? अभी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने, माननीय हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, सरकार जो है उसको लेकर SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट चलेगी। क्या मामला है यहाँ? 11-11 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा कर्मचारियों को और आप एक एक हियरिंग के 25-25 लाख रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, क्या मतलब बनता है? आज किस तरीके की रणनीति है, इसके बाद कहां पर आपका ये जो पूरे लोग रोडों पर उतर चुके हैं, किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी और कहीं ऐसा ना हो कि 2020 की तरह आज भी आपको वादा करके फिर टाल दिया जाएगा? ये जो धरना है ये वादा पे नहीं टूटने वाला है, हमने मन बना लिया है, कर्मचारी ने मन बना लिया है। जब तक हमारे पास लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी
स्वयं आकर के या अपने प्रतिनिधिमंडल भेज करके लिखित रूप में हमसे अब वो नहीं करते हैं, तब तक हम हिलने वाले नहीं, हम वही जाम कर देंगे, वही बैठ जाएंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने प्रतिक्रिया जानी और करीबन करीबन 24 से 30 हजार के बीच जनसंख्या इनकी, और जो इतने सारे जो लोग हैं, अगर इनका यही रुझान रहा जिस तरीके से अभी इनका क्लियर कट है कि अब वादों को भी नहीं मानेंगे जब तक इसका शासन जारी नहीं होता है, देखने वाला विषय ये होगा। और साथ में राम राज्य की जो बात करते हैं, उस राम राज्य में उसकी प्रजा जब रोडों पर हो तो ये राम राज्य कैसा राम राज्य है, इसको लेकर भी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने खुद ये वादा किया था, वो आज बैनर में चल भी रहा है, आगे उनका बैनर लगा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री का वो बयान जारी है, वो प्रिंट मीडिया के द्वारा छपा गया है, जिस पर उन्होंने वादा किया था कि जो है इसको लेकर उपनगर कर्मचारियों को जो है नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। देखने वाला विषय होगा कि इसके बाद जो ये धरना जो रैली है ये शायद सचिवालय कूच करेगी, और सचिवालय कूच के बाद आगे की हम देखेंगे आपको कि किस तरीके की अपडेट रहेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं प्रदेश का नौकरशाह कहीं रोडों पर है, और किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी तक आपकी मांगों को नहीं सुना गया है, बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी मौजूद है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी है, हम काफी टाइम से हम मांगे मानने के लिए हम सरकार को भी हर प्रकार का हमने धंधा किया है, हमने भूख हड़ताल की है, अनशन की है, तो हम ये हमारा एक अंतिम चरण का महासंग्राम, हम जिसे बोल रहे हैं आज अंतिम चरण का महासंग्राम है हमारा, तो हम छिले गए हैं, आज तक हम छिले ही गए हैं, वेतन समय पे नहीं मिलता है, 11-11 माह के जो अनुबंध है बोल दिया जाता है कि आपका खत्म हो गया, आपको हटा दो, क्या समझ रखा है, मतलब मजाक बना रखा है इन्होंने। और आज की डेट पे आप यकीन मानेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पे उपनगर कर्मचारी कार्यरत नहीं है। हमारी मांग क्या, सिंपल सी मांग है, प्रतिवर्ष आप महंगाई भत्ता बढ़ा लो, हमारा 20% की बढ़ोतरी के लिए डिमांड है हमारी, आपने वहां पे वकील कर रखे हैं हमारे खिलाफ, उपनगर कर्मचारियों के खिलाफ आपने वकील कर रखे हैं, 20-25 हजार उनको हायरिंग दे रहे हो आप, तो बस केवल हमारी ये है कि जो आपने वहाँ पे वकील कर रखे हैं, जो आप हमारे खिलाफ न्यायालय में जा रखे हैं, वापिस आ जाइए, और जो नैनीताल न्यायालय द्वारा जो हमारे समान का समान वेतन था उसको लागू कर दीजिए, और एक हमारे नियमावली बना दीजिए कि हमारे प्रतिवर्ष एक माह चूज कर लीजिए, इस माह को आपकी जो तनख्वाह है उसमें 20% की बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। आज ये कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, क्या अनुमान है आपका, कितनी जनसंख्या में यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो सम्मिलित होंगे? कर्मचारी है, इसमें सफाई कर्मचारी भी है, सब आ रखे हैं, और 10,000 लोग से ऊपर की हमने व्यवस्था कर रखी है, हमें पता है सब लोग परेशान है, शोषित है, इस समय जो रोड पे है ना ये शोषण व्यक्ति है, भले जो भले लोग हैं वो चेयरों में बैठ के नौकरी कर रहे हैं, हम शोषित है, हम उसे शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ हम सड़क पे है। आपका नाम? मेरा नाम महेश चंद्र है, मैं पेयजल निगम से प्रदेश सदस्य। थैंक यू सो मच।